तो हेलो गाइस, आज मैं आपको एक विशेष चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। वीडियो काफ़ी आवश्यकता से भरी वीडियो होने जा रहा है। ये वीडियो काफ़ी असंवेदनाओं से भरा वीडियो रहेगा और इस वीडियो के बनाने के अनेक कारण होंगे, जिसको मैं आगे वीडियो में बताते चले जाऊँगा। ओके गाइस, देखो कितना बिखरा पड़ा है रोड। तो आइए गाइस, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक पेपर में छपी इस रोड के बारे में जो घटना है उसको बताऊंगा। ओके गाइस, देखो ये पुल का निर्माण होना है यहाँ पे। देखो साथ ही साथ डोंगरगढ़ विकास खंड के प्रमुख ग्रामीण अंचल बेलगांव क्षेत्र के पहुंच मार्गों को सुदृढ़ बनाने तथा छोटे छोटे गांवों का मुख्य मार्गों से जोड़ने की दिशा में प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मार्ग जीर्णोद्धार की बाढ़ चो रहा है। ग्राम माड़ीतराई से लमानिन होते हुए जामरी हरन सिंह मार्ग की सड़कें दशकों से जर्जर पड़ी है। इन जर्जर सड़कों के संधारण एवं नवीनीकरण की मांग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं, जिस पर शासन प्रशासन व राजनीतिक दल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वे कच्चे मार्ग पर चलकर परेशान हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि ने चुनाव के समय वोट तो ले लिया, किंतु आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। लमानिन भाटा में जामरी मार्ग होते हुए हरन सिंह तक जाने वाले मार्ग निर्माण पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जाना प्रशासनिक अक्षमता व राजनीतिक शून्यता को प्रदर्शित करता है। ये तो बहुत ही सही बात है। क्षेत्र के लोगों का मूलभूत सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। आज भी इन ग्रामों के लोग कच्ची सड़क पर और पथरीले मार्ग पर चलने में मजबूर है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित न कराया हो, किंतु अकर्मण्यता के चलते आज तक इस मार्ग के निर्माण की कोई पहल नहीं की गई है। लमानिन भाटा से जामरी होते हुए यह मार्ग 6 किलोमीटर लंबा है, लेकिन खस्ता हाल होने के कारण ग्रामीणों को अतिरिक्त दूरी तय कर घूम कर जाना पड़ता है। इस मार्ग पर चलना दुभर हो गया है। मार्ग में मोटरसाइकिल तो दूर, पैदल चलना मुश्किल है। सही है गाइस, जिसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने के लिए विवश है। जामरी के ग्रामीणों ने बताया है कि लोग मुसरा सोसाइटी में धान बेचने व सभी जरूरतों के लिए मुसरा के मार्केट पर आश्रित रहते हैं। ऐसे में हर छोटे बड़े कार्य के लिए सबसे पहले ग्रामीणों को जर्जर सड़कों से दो चार होना पड़ता है। इस खतरनाक मार्ग में प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों के साथ साथ बच्चे भी अपना भाग्य बनाने स्कूल का सफर पूरा करते हैं। शायद प्रशासन इस जर्जर मार्ग पर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, तभी इस मार्ग का निर्माण संभव होगा। जर्जर मार्ग के निर्माण न होने से ग्रामीणों में शासन और प्रशासन सहित सत्ताधारी दल के प्रति खासा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने तत्काल इस ओर पहल की मांग की है। यह पेपर 8 अक्टूबर 2020 की छपा हुआ है। आइए इस जर्जर और खतरनाक रोड के बारे में आपको और अधिक जानकारी दे देता हूँ। देखिएगा, इस सामने इतना धूल है, यह है ऐसा हाल है। इस तरफ पूरा गड्ढा वड्ढा, देखोगा इस तरफ से अलग पड़े हुए हैं पत्थर, इधर उधर सभी उखड़ के पड़े हुए हैं। देखते चलिएगा, यह है सब। और इसके साथ साथ आइए और आपको इसका घटना दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, थोड़ा पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। देखो गाइस, सामने में इतना धूल उड़ रहा है देखो, और आसपास पत्थर इतने बिखरे हुए हैं। यहाँ से जब चार पहिया वाहन सामने से जाता है, तो पीछे अगर बाइक में हो तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। इस रोड का हाल काफ़ी बुरा पड़ गया है। ये लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, जैसा कि मैंने पेपर में पढ़ा है 6 किलोमीटर है, और है भी ज़्यादा भी होगा। और इतना बुरा पड़ गया है कि आसपास में ऐसा वाला रोड और कहीं है। सभी तरफ एकदम टॉपो टॉप, एकदम एक नंबर बन गया, लेकिन यही रोड बच गया है। बीच में खुशखबरी तो आया था कि बनेगा ऐसे करके, पैसा पास भी हो गया है ऐसे करके सुनाए आया है, और कुछ टाइम बाद बन भी जाएगा ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इसको बनाना है करके जोरों धोरों से ग्रामीण लोग लगे हैं बनाने के लिए, और बनेगा ये तो संभव है, अगले साल तक तो बन ही जाएगा।
ठीक है गाइस, देखो अब ये ना जामरी से हरण सिंघी वाला मार्ग है, जामरी से हरण सिंघी वाला कुछ इस तरह से मार्ग है। देखो गाइस, छोटा बड़ा इधर उधर, सामने गिट्टी पड़ा हुआ है, वो कुछ कार्य चल रहे, इसलिए ये लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं अपने बाइसिकल में हूँ इसलिए वीडियो अच्छे से नहीं आया है गाइस, लेकिन आपको दिखाना तो बनता है। देखो सामने कितना धूल उड़ रहा है, एक छोटी सी बाइक जा रहा है जिसमें इतना धूल उड़ रहा है कि पूछो मत। देखो ये सामने का रोड गड्ढा वड्ढा है, इधर उधर पूरा खस्ता हाल है, पूरा खतरनाक रोड है, इसमें अनेक दुर्घटनाएं हो चुके हैं, बाइक में तो होता ही रहता है, यहाँ तो दुर्घटना होना आम बात सा हो गया है। देखो अब हम लोग फाइनली जो पुल बनने जाएगा वहाँ पे पहुँच गए हैं, जिसकी मांग बहुत दिनों से किए कर रहे हैं लोग, ग्रामीण लोग। देखो गाइस इतना छोटा सा रोड, जगह तो है लेकिन रोड बहुत बुरा हालत है इस रोड का। आइए देखते हैं, देखो गाइस इस तरफ से देखो, देखो ये नीचे उतरते ही इतना गंदा रोड, इतना गंदा। पुल को बनाना बहुत ही आवश्यक है। देखो गाइस ये देखो, ऐसा कैसे जाते होंगे भाई लोग। मैं तो देखिए गाइस यहाँ पे पुल बनना है, ये देखो कैसे लोग यहाँ से गुजरते होंगे, और यहाँ से तो देखो ना जो चिन्हा जो दिख रहा है, वो बड़े बड़े जो ट्रैक्टर वगैरह भी इस तरफ से चलते हैं, ऐसे रोड दिख रहा है भाई। ये नदी का नीचे का वो सीन है वीडियो, मैं ना बाइसिकल में था इसलिए जो वीडियो है वो अच्छे से नहीं आया है, हिलता डुलता ही आया है, और रोड के कारण भी है ये हिलता डुलता हुआ। देखो इतना ही पानी भरा हुआ है, अभी अगर स्टार्ट कर देंगे बनाने का तो अच्छा हो जाएगा। देखो मैं कैमरा रोल करता हूँ, इधर उधर देख लो, पत्थर वत्थर है, काफ़ी बड़ा है भाई ये पुल। पुल मतलब बनेगा ऐसे तो लगता है भाई, लेकिन और वीडियो तो बनाना जरूरी था क्योंकि देखो आसपास के लोग को पता भी चलेगा, और थोड़ा लेट कर रहे हैं ऐसे मेरे को लग रहा है। अगस्त सितंबर में तो बात चल गया था, कुंवार नवरात्रि के बाद होगा ऐसे करके सुनाई पड़ा था, कुंवार नवरात्रि के बाद स्टार्ट हो जाएगा कार्य ऐसे करके सुनाई पड़ा था भाई, गांवों में इस प्रकार से बातें चल रहा था। ठीक है गाइस, तो ये देखिए साथ ही साथ आसपास भी देख लो, नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है इस तरफ का, हम लोग घूमने भी इस तरफ आ ही जाते हैं कभी कभार, अच्छा लगता है भाई। अगर पुल बन जाएगा तो इसी तरफ से डोंगरगढ़ जाएंगे और सभी लोग जाएगा, क्योंकि इस तरफ से शॉर्टकट भी पड़ेगा, यहाँ से हरण सिंघी नांगतराई डोंगरगढ़ काफ़ी पास है, अछोली बीच में पड़ेगा। देखो गाइस रोडों को तो देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, इतना पत्थर पूरा ऊपर आ गया है, देखो बहुत दिन भी हो गया है ना इस रोड को, काफ़ी बुरा हाल है भाई इस रोड का। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है। देखो हाँ गाइस ये देखो जामी गाँव में एक मैदान है, साथ ही साथ बता देता हूँ कि जामी गाँव में एक मैदान है, इसका ऐसा है कि मानो आसपास में तो पिछड़ा भाई मैदान है, क्रिकेट का मैदान, सबसे घटिया मैदान है गाइस। मेरे जानते में तो ये कभी नवीनीकरण नहीं हुआ है, काफ़ी दिनों से मैं खेलते, देखो गाइस बीच में गड्ढा वड्ढा है, पिच भी अच्छे से नहीं है, देखो ना ट्रैक्टर चला है उसका अच्छे से नहीं है, पूरा गंदा मैदान है वहाँ। तो आइए गाइस रोड की तरफ, मैदान को देखो तो ना आसपास में और कहीं नहीं है, और पूरा गड्ढा वड्ढा है, बीच में पिच भी अच्छे से नहीं है। ओके गाइस तो देखिए एंडिंग टाइम देखते हैं, वीडियो एंड होएगा अभी, देख लो लास्ट ये है, देखो आसपास देख लो कितना बुरा हालत है इस रोड का, दुर्घटना तो आम बात हो गया है इस रोड पर, छोटी मोटी दुर्घटना का। देखो गाइस काफ़ी बुरा हालत है इस रोड का, बहुत ही खतरनाक रोड है। अब वीडियो का एंड करते हैं और चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। ओके बाय, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइज बाय।